तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सक्सेस फार्मेसी चैनल पर स्वागत है। तो आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड होता है टू पार्ट्स के अंदर, जो फर्स्ट नंबर पर है ओपन चेन कंपाउंड और सेकंड नंबर पर है क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड डिवाइड होता है टू पार्ट्स के अंदर, फर्स्ट नंबर पर है एलिफेटिक कंपाउंड और सेकंड नंबर पर आते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। उसी तरह से क्लोज चेन कंपाउंड भी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, फर्स्ट नंबर पर है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? ओनली कार्बन एटम्स इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन के अंदर खाली ओनली कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं इन रिंग फॉर्मेशन के अंदर, तो उसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और सेकंड नंबर पर है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है ये अपन आगे देखेंगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड फिर एक बार डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स के अंदर, फर्स्ट पर है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और सेकंड नंबर पर है एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये अपन आगे जाकर देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन चेन कंपाउंड डिवाइड हुआ था एलिसाइक्लिक कंपाउंड और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो एलिफेटिक कंपाउंड क्या है ये देख लेते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। जो ऐसे कंपाउंड ओपन चेन से फॉर्म होते हैं, कार्बन एटम से फॉर्म होते हैं, उसे एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। देर इज नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम्स की लिमिट्स नहीं रहती, उसके अंदर कार्बन एटम्स 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, उसकी लिमिट नहीं रहती। तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं एलिफेटिक कंपाउंड के। उसके एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ओपन चेन से फॉर्म हुआ है, उसके अंदर क्लोज चेन नहीं है, ओपन चेन से फॉर्म हुआ है, तो इसीलिए ये एग्जांपल होता है एलिफेटिक कंपाउंड का। और सेकंड पे है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का भी स्ट्रक्चर देख सकते हो, ओपन ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इसीलिए ये भी एलिफेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है। तो इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं? ब्यूटेन भी आ सकता है, प्रोपेन भी आ सकता है, इथेन भी आ सकता है, ये भी एलिफेटिक कंपाउंड के एग्जांपल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पे था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है ये भी जान लेते हैं। कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल हाइड्रोकार्बन। जो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड इफ इट कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जो ऐसे कंपाउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं उसे सैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड इफ इट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड। जो कंपाउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करते हैं उसे अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। उसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इथेन। इथेन का एग्जांपल देख सकते हैं अपन, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड कंटेन हुआ है उसे, इसलिए उसे सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। और नीचे वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं, इथिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, उसके अंदर डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसीलिए वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। द टर्म ऑफ अनसैचुरेटेड इज ऑल्सो समटाइम्स यूज टू डिस्क्राइब अ कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। जो ऐसे भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं कार्बन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। जो कार्बन कार्बन के अंदर नहीं होते हुए ऑक्सीजन के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, सल्फर के अंदर डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। अपन ये एग्जांपल में देख सकते हैं डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, किसके अंदर फॉर्म हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन फॉर्म हुआ है, इसीलिए इसे भी अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर डबल बॉन्ड भी फॉर्म हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड के अपन होमोसाइक्लिक कंपाउंड तो डायग्राम में देखा ही था,
तो उसके वो डिवाइड हुआ था टू पार्ट के अंदर, फर्स्ट था एलिसाइक्लिक कंपाउंड और सेकंड था एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड देख लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन आइटम्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। जो साइक्लिक कंपाउंड कंसिस्ट होते हैं ओनली कार्बन आइटम्स से, उसे एलिसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। यह आप डायग्राम में देख ही सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म वो है खाली अंदर कार्बन एटम से साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ओनली कार्बन एटम से साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इसे इसलिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पे है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे वो देख लेते हैं। बेंजीन एंड ऑल कंपाउंड दैट हैव स्ट्रक्चरली एंड केमिकली प्रॉपर्टी रिसेम्बलिंग बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड यानी जिसका बेंजीन से स्ट्रक्चरली एंड केमिकली प्रॉपर्टीज मैच करेंगे उसे एरोमेटिक कंपाउंड ही कहेंगे। उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपन डायग्राम में देख सकते हैं बेंजीन तो एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल ही हो गया। एनिलीन जिसका स्ट्रक्चरली एंड केमिकली प्रॉपर्टीज मैच करेंगे किससे करेंगे बेंजीन से करें। नेफ्थलीन भी मैच करेगा इसीलिए इसे एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट था उसका क्लोज चेन कंपाउंड का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है वो भी देख लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड इन विच द रिंग आइटम आर ऑफ कार्बन आइटम आर सम अदर एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जो साइक्लिक कंपाउंड जो रिंग आइटम फॉर्म होते हैं कार्बन एंड सब अदर एलिमेंट से फॉर्म होते हैं, जैसे कि एग्जांपल थ्रू नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन थ्रू फॉर्म होते हैं साइक्लिक रिंग को अटैच होते हैं उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपन डायग्राम में देख सकते हैं साइक्लिक रिंग कंपाउंड को कार्बन एटम को अटैच होते हैं सब एलिमेंट्स को से नाइट्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं ऑक्सीजन अटैच हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच हुआ है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन एटम हुआ है, तो इसीलिए इसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।